हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जिक्शा मशीन के ब्लेड के हवाले से, जो बहुत ही यूज़फुल है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही काम की वीडियो है, ख़ास तौर पर नए कारपेंटर भाइयों के लिए। और आज की इस वीडियो में ये जो जिक्शा का ब्लेड रहता है, इससे जब हम कटिंग करते हैं तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये छिलका जैसा निकल के आता है, यानी कि बुरा बुरादा जैसा निकल के आता है इसमें। और ये छिलका जैसा हमारे कटिंग करते समय ना निकले, इसके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों, वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इस मशीन के ब्लेड में धार लगाने का सही तरीका क्या रहेगा, वो भी आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। इस चैनल पे आपको वुड वर्किंग से रिलेटेड शॉर्टकट टिप्स और इजी ट्रिक्स मिलते रहते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं आपको ये जिक्शा मशीन का ब्लेड शार्प करके और इसमें वो ट्रिक लगा के जिससे कि आप दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, हम इसमें ब्लेड लगा चुके हैं अपनी जिक्शा मशीन में। तो हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि ये कटिंग कैसे करती है, इसमें कटिंग की फिनिशिंग कितनी है, अच्छी है या बुरी है। ये देखिए दोस्तों, इसकी कटिंग कुछ इस तरह से है। ये देखिए कितनी बेहद ख़राब नज़र आ रही है। तो इसकी कटिंग हम फिनिशिंग के साथ कैसे करें, तो यही सब जानने के लिए इस वीडियो में आगे बताते हैं आपको, आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हमने ये ब्लेड निकाल लेना होगा। ये देखिए, इसमें धार का भी इशू है, इसमें हम धार भी लगाते हैं। सबसे पहले इसमें हम आपको धार लगा के दिखाएंगे कि सही से धार लगाने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले हमने ये एक क्लैंप में अच्छे से पकड़ लेना है। तो इसके जो टीथ होते हैं, ये एक थोड़ा इस साइड को होता है और एक की शेप कुछ इस तरह से होती है। तो हम आपको इसी शेप, जिस शेप में इसके टीथ हैं, इसी शेप में आपको शार्प करके दिखाएंगे। तो आपने कुछ इस तरह से आगे के लिए इसको देना है, आगे पीछे आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, आपकी धार वैसे अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए मैं आपको धार लगा के दिखाता हूँ, फटाफट से आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, हमारे ब्लेड की धार लग चुकी है, ये देख पा रहे होंगे आप। मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए कितनी अच्छी धार नज़र आ रही होगी आपको। तो चलिए अब इसका जो मेन ट्रिक है वो मैं बताने वाला हूँ। वीडियो बिल्कुल स्किप करके मत देखिए, वरना आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो चलिए, आपने ले लेनी है एक ये शार्पनिंग स्टोन, यानी कि सिली। और इसके जो ये दांते रहते हैं, इसमें कई दांते बिल्कुल एक साइज़ के रहते हैं, तो कोई कोई दांता इसका जो इसका टीथ रहता है वो आगे पीछे होता है, तभी हमारी कटिंग अच्छे से नहीं होती है। तो आपने करना क्या है, दांते आगे के लिए रखना है और दूसरी साइड जब इसमें थोड़ी घिसाई करनी हो तो फिर दांते आपके आगे के लिए रहने चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसकी घिसाई करके दिखाता हूँ और लास्ट में आपको इससे कटिंग भी करके दिखाऊंगा कि ये ट्रिक हमारा कामयाब हुआ या नहीं। तो चलिए मैं आपको इसकी घिसाई करके दिखाता हूँ। दोस्तों, आपने कुछ आगे की तरफ घिसाई करनी है इसकी, और एक साइड आपने जितने बार इसको घिसाई की है तो दूसरी साइड भी आपने उतने ही बार इसमें घिसाई करनी है। मान के चलें कि अगर एक साइड आपने 5 बार इसको घिसाई की तो दूसरी साइड भी 5 बार घिसाई करनी होगी। तो दोस्तों, हमारा ब्लेड में जो ट्रिक लगाना था वो कंप्लीट हो चुका है, ये देख पा रहे होंगे आप, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं ये। तो चलिए अब हम इसमें जिक्शा मशीन में इस ब्लेड को एडजस्ट करके आपको कटिंग करके दिखाते हैं कि हमारा ट्रिक कामयाब हुआ कि नहीं। तो चलिए इसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं। मेरी ये जो जिक्शा मशीन है, इसमें ये देखिए लॉक सिस्टम है, इसमें ब्लेड डाल के इसमें ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। आपके पास कौन सी जिक्शा मशीन है कमेंट में ज़रूर बताइए, और उसमें प्रॉब्लम क्या है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, जो पहला कट हमने लगाया था, इसमें पहले कटिंग की थी तो कुछ इस तरह से, ये देखिए इसमें कितना ये बुरादा छिलका जैसा ऊपर आया है, यानी कि फिनिशिंग के साथ कटिंग नहीं हुई है। तो अब मैं इस साइड एक कट लगा के दिखाऊंगा आपको।
तो दोस्तों मैंने कट लगा लिया। अब देखिए बिल्कुल इसको उठा के दिखाता हूँ मैं आपको, वरना आप कहोगे कि ये स्किप करके वीडियो दिखा रहा है। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा कट लगा हुआ है। ये देखिए ये पहली वाली कटिंग देखिए और ये दूसरी वाली कटिंग देखिए, दोनों में कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया था कि रोटर मशीन की जो बीट रहती है जब उसमें धार ख़त्म हो जाती है, हाथ से उसमें धार लगाने का सही तरीका क्या है, ये सब जानने के लिए इन पर ये लिंक दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों। और आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर किए बगैर जाइएगा मत, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।